अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आयान मोबाइल। और आज एक न्यू मॉडल के साथ और न्यू वीडियो के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। रियल मी की तरफ से आया है C53, जो कि रियल मी की सी सीरीज़ का न्यू मॉडल है। 6 GB 128 GB के साथ आया है, यूनिसॉक से T612 के साथ। इसके स्पेक्स के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लें। तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारे पास रियल मी का C53। इसके बॉक्स की बात करते हैं तो येलो कलर का आपको एक खूबसूरत बॉक्स मिल जाता है, जिसके ऊपर C53 लिखा हुआ है। साइड की बात करते हैं तो रियल मी C53 इसका मॉडल नेम मेंशन किया गया है। इसके अलावा इसके कोई हाई स्पेक्स इसके ऊपर मेंशन नहीं किए गए। नीचे की बात करते हैं तो इस पर लिखा हुआ है कि ज्वाइन अस रियल मी कम्युनिटी। इसके बार कोड को आप स्कैन करके कर सकते हैं। रियल मी की ब्रांडिंग हुई है साइड पर। बात की जाए इसके कलर की तो हमारे पास ये गोल्ड कलर है। 6128 है, 6 GB रैम है इसमें, 128 GB रोम है इसमें। बैक साइड की बात करते हैं तो आपको इसके स्पेक्स मेंशन किए गए मिलेंगे। 33 वॉट सुपर वूक चार्जर के साथ ये आता है। 5000 mAh की बैटरी है। 50 MP का AI कैमरा है। 90 Hz का रिफ्रेश रेट है। 7.49 mm अल्ट्रा स्लिम बॉडी के साथ और पावरफुल ऑक्टाकोर चिपसेट के साथ ये फ़ोन आया है। इसके अनबॉक्सिंग की तरफ चलेंगे, अनबॉक्सिंग करेंगे और इसके स्पेक्स वगैरह के बारे में बात करेंगे। इसके स्पेक्स वगैरह के बारे में और इसके डिज़ाइन वगैरह के बारे में बात करेंगे, कैमरा और मोड्स के बारे में भी बात करेंगे इस वीडियो में। वीडियो तो को एंड तक लाजमी देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी आने वाली वीडियोज़ आपके पास पहले आ सके। तो जैसे ही आप अनबॉक्सिंग करेंगे, सबसे पहले आपको कुछ पेपर वर्क मिलेगा, इसके बाद आपको डिवाइस मिलेगी। डिवाइस को हम साइड पे कर देते हैं। इसके अंदर आपको एक ट्रांसपेरेंट कवर मिल जाएगा, जो कि ग्रे शेडेड कलर है। इसका ट्रांसपेरेंट कवर एक ग्रे कलर का, जो कि बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है। रियल मी के हर मॉडल के साथ आपको बॉक्स में पाउच मिल जाएगा। इसके अलावा बात की जाए कुछ पेपर वर्क की तो आपको इसके यूज़र मैनुअल मिल जाएंगे रियल मी की तरफ से, जो के 2-3 किस्म के हैं। इसमें आपको सारी गाइडनेस वगैरह मिल जाएगी डिवाइस के बारे में। तो इन सब चीज़ों को साइड पे करेंगे, ये हमारे काम की नहीं है। आपको दिखाते हैं इसलिए कि बॉक्स में ये सब चीज़ें आती है। इसके बाद बात की जाए इसके केबल की तो आपको टाइप सी की केबल मिल जाएगी, जो USB A to USB Type-C वाली केबल होती है। प्रीमियम क्वालिटी की केबल है, क्योंकि ये सुपर वूक चार्जर वाली केबल है, तो ये को बहुत अच्छी क्वालिटी की केबल होती है। 33 वॉट का सुपर वूक चार्जर इसमें आपको मिलेगा। चार्जर डॉक की बात करते हैं तो आपको इसके ऊपर 33 वॉट मेंशन किया गया है। मैं आपको दिखाता चलूं, साइड पर 33 वॉट सुपर वूक लिखा हुआ है। इसको साइड पे करेंगे, डिवाइस की तरफ चलेंगे, डिवाइस को अनरैप करेंगे और इसके डिज़ाइन वगैरह के बारे में बात करेंगे। तो ये रही हमारी डिवाइस, बहुत ही खूबसूरत कलर है ये गोल्ड कलर, चैम्पियन गोल्ड कलर। साइडों की बात की जाए तो आपको फिंगरप्रिंट मिल जाएगा, वॉल्यूम ब्रोकर्स मिल जाएंगे। नीचे की साइड पर आपको 3.5 mm जैक और चार्जिंग जैक मिल जाएगा। दूसरी साइड की बात की जाए तो आपको इसका सिम जैक मिल जाएगा। ऊपर की साइड पर ये बिल्कुल प्लेन है। डिवाइस के डिज़ाइन के बारे में बात करते हैं तो बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन है, आप देख सकते हैं। पीछे की साइड पर आपको 3 कैमराज इसके मिल जाएंगे। रियल मी की ब्रांडिंग मिल जाएगी, डबल शेडेड कलर है इसका, ग्रीन शेड भी आपको मिलेगा। बहुत ही खूबसूरत डिवाइस है, इसको सेटअप करेंगे और जब तक डिवाइस सेटअप होता है हम इसके स्पेक्स और इसके कंपटीटर्स के बारे में बात कर लेते हैं। इसके चिपसेट के बारे में बात करते हैं तो आपको इसमें यूनिसॉक का T612 चिपसेट मिलेगा, लेकिन अजीब बात यह है कि C51 को देखा जाए तो सेम स्पेक्स के साथ ये फ़ोन आता है। उसमें आपको 4/64 और 4/128 और 3/64 मिल जाता है, जबकि ये 6/128 वाला है। सिर्फ 2 GB रैम बढ़ा के आपको प्राइस में काफ़ी डिफरेंस मिल जाता है। तो इस रेंज की बात की जाए, इस प्राइस टैग की बात की जाए तो इसमें आपको दूसरे काफ़ी अच्छे फ़ोन्स मिल जाते हैं। रिसेंटली डीकोड का Bold 3 Pro जो लॉन्च हुआ है, उसमें आपको सुपर एमोलेड स्क्रीन, 120Hz रिफ्रेश वगैरह काफ़ी चीज़ें मिल जाती हैं G99 के साथ। इस हिसाब से देखा जाए तो ये फ़ोन काफ़ी महंगा है। बाकी इसे डिवाइस की बात की जाए तो आपको ओवरऑल इसमें 90Hz का रिफ्रेश रेट मिल जाएगा। सेटिंग में आपको मैं इसके स्पेक्स दिखा देता हूँ। 6 GB 128 GB के साथ ये फ़ोन आया हुआ है।
ब्राइटनेस की बात की जाए तो इसमें ब्राइटनेस भी 450 या 500 निट्स वाली है, तो ब्राइटनेस के लिहाज से भी इसकी ब्राइटनेस बहुत कम है। 6+4 GB रैम के साथ ये डिवाइस आ रही है, 128 GB स्टोरेज के साथ, ऑक्टा कोर प्रोसेसर जो T612 है, जो आपको C51 में भी मिल जाती है। इसके अलावा आईटेल के S23 में भी मिल जाती है, जो 26-27 हज़ार रुपये का फ़ोन है, और ये आपको 40 हज़ार की रेंज में ये स्पेक्स दे रहा है, जो कि 6128 है। दूसरी कंपनियों की काफ़ी अच्छी चीज़ें आपको मिल जाती हैं इस रेंज में, काफ़ी अच्छे स्पेक्स मिल जाते हैं और काफ़ी अच्छे प्रोसेसर मिल जाते हैं, G99 वगैरह। आपको 35-36 हज़ार रुपये की रेंज में सुपर एमोलेड इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट के साथ बोल 3 प्रो दे रहा है। इसके कैमरास वगैरह के बारे में बात करते हैं तो 50 मेगापिक्सल का AI कैमरा मिल जाता है आपको। कैमरा में इसके आपको सारे मोड्स मिल जाएंगे, फोटो पोर्ट्रेट वगैरह सारे मोड्स मिल जाएंगे। इसके जूम वगैरह की बात करते हैं तो जूम इसको आपको फोटो मोड में भी 10x का मिलेगा, जबकि वीडियो मोड में भी आपको 10x का मिल जाएगा। तो बात करते हैं कि आपको ये डिवाइस लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। इसके कंपटीटर्स के बारे में बात करेंगे तो आपको T612 चिपसेट में आपको काफ़ी मॉडल मिल जाते हैं जो इससे बहुत कम रेंज में मिलते हैं। इन्फिनिक्स का स्मार्ट 8 आप ले ले, 23 हज़ार रुपये के फ़ोन में आपको सेम लुक और इसके अलावा सेम चिपसेट मिल जाएगा, सिर्फ मेमोरी का फ़र्क आएगा। इसके अलावा बात की जाए आपको आईटेल S23 की, तो वो भी आपको 8128 वाला आराम से मिल जाएगा। इसके कैमरा मोड्स के बारे में बात करते हैं तो आपको इसमें वही नॉर्मल मोड्स मिल जाते हैं जो आपको एक 20 हज़ार वाले फ़ोन में मिल जाते हैं। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़ी रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। और मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।